हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर चैप्टर आपका स्वच्छ भारत अभियान जो कि कंप्लीट हो चुका था। अब आपका सिक्स नंबर चैप्टर है चार भुज नाथ मंदिर। बॉक्स के अंदर ध्यान दीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हैव यू हर्ड दिस साम, क्या आपने इस साम को सुना है? साम यानी होता है भजन को। हु सेंग दिस साम एंड फॉर होम, ये साम कौन गा रहा है, भजन कौन गा रहा है, एंड फॉर होम, और किसके लिए गाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस डायरी एंट्री अबाउट चार भुजनाथ मंदिर, मेरा बाई मंदिर, जिसको मेरा बाई मंदिर भी कहते हैं, बाई वैशाली, जो कि वैशाली के द्वारा लिखा गया है। तो स्टूडेंट, डायरी एंट्री क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स डे बाय डे या डेट वाइज डेट लिखता है। तो ये डेट है डायरी एंट्री की 29/9/2015 की, जिसमें वैशाली ने लिखा है, वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल, हम कहाँ हैं, एक सुंदर टेम्पल में हैं, टेम्पल यानी मंदिर में हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज चार भुजनाथ मंदिर, इसे प्रसिद्ध रूप से, पॉपुलरली यानी प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है, चार भुजनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड होता है कि स्थित है 8 मेड़ता सिटी, कहाँ पर, मेड़ता सिटी में, इन नागौर डिस्ट्रिक्ट यानी नागौर जिले की मेड़ता सिटी में ये स्थित है। डिस्ट्रिक्ट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जिला। अवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने हमें बताया, दैट राव दूधा जी फाउंडेड दिस टेम्पल, यानी राव दूधा जी ने इस टेम्पल को खोजा था यानी ढूंढा था। पीपल बिलीव यानी लोग विश्वास करते हैं, दैट कि द आइडल यानी क्या होता है, देव प्रतिमा, ये देवता की मूर्ति, ऑफ लॉर्ड चार भुजनाथ यानी लॉर्ड भगवान चार भुजनाथ की, अपीयर्ड यानी प्रकट हुई थी, इट्स सेल्फ फ्रॉम द अर्थ यानी अपने आप धरती में से प्रकट हुई थी, यानी लोगों का विश्वास है कि भगवान चार भुजनाथ की मूर्ति जो है अपने आप धरती में से प्रकट हुई थी। वन डे, एक दिन, राव दूधा जी सा अ ड्रीम, राव दूधा जी क्या देखते हैं, एक सपना देखते हैं, यानी राव दूधा जी ने एक सपना देखा, SAW सा यानी होता है देखा। इन द ड्रीम यानी सपने में, द डेटी आस्क्ड हिम टू, यानी डेटी ने उनको कहा, मूर्ति ने उनको कहा, बिल्ड अ टेम्पल, क्या बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए, बिल्ड यानी होता है टेम्पल बनाना, टेम्पल यानी मंदिर, ऑन द वेरी स्पॉट यानी शीघ्र, अति शीघ्र उनको टेम्पल मंदिर बनाने के लिए उनको कहा, यानी राव दूधा जी ने सपना देखा, सपना में भगवान ने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी क्या करें, टेम्पल का निर्माण करवाए। ही फॉलोड द गिवन कमांड, उन्होंने फॉलोड यानी अनुसरण किया, द गिवन कमांड, जो उन्होंने कमांड दी थी, आदेश दिया था, उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। दूधा जी हैड अ ग्रांड डॉटर, दूधा जी की एक पोती थी नेम्ड, जिनका नाम था मीराबाई, क्या नाम था, मीराबाई। शी ऑफर्ड सर्विसेज टू द डेटी, वह क्या करती थी, वह मूर्ति की सेवा करती थी। देयरफॉर दिस टेम्पल, इसलिए इस टेम्पल को, इस कॉल्ड कहा जाता है एज मीराबाई टेम्पल ऑल्सो, चार भुजनाथ मंदिर के साथ साथ इसको मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। देयर आर वेरियस स्टैचू सच एज, यहाँ पर वेरियस यानी अलग अलग प्रकार के स्टैचूस यानी मूर्तियाँ हैं, सच एज, जिनमें से श्री केशव दास, किसकी, केशव दास की, श्री गिरधर गोपाल की, मीराबाई एंड जयमल इन द टेम्पल, यानी मंदिर में वेरियस स्टैचू है, विभिन्न प्रकार के स्टैचू मूर्तियाँ हैं, जैसे केशव दास, श्री गिरधर गोपाल, मीराबाई एंड जयमल। मैनी फेस्टिवल्स यानी बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं, सच एज, जिसमें कौन सा त्यौहार है, नरसिंह चतुर्दशी, कौन सी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी और श्रावण मंथ आर सेलिब्रेटेड हियर, यानी श्रावण मंथ में
सावन मंथ के जो ये नरसिंह चतुर्दशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, पवित्र एकादशी है, किसके सावन मंथ के यहाँ पर मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पर। ऑन दिस डे, इस दिन अ स्पेशल वर्शिप इज हेल्ड, यानी एक विशेष पूजा होती है। स्पेशल यानी विशेष, वर्शिप यानी पूजा होती है। एंड एनचांटिंग प्रोसेशन, एनचांटिंग होता है मोहक, प्रोसेशन होता है शोभा यात्रा। हाँ द स्टूडेंट, सावन मंथ की जो पवित्र एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी यहाँ पर मनाए जाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन अ स्पेशल वर्शिप इज हेल्ड, यानी एक विशेष पूजा भी होती है। एंड एनचांटिंग प्रोसेशन, एनचांटिंग का मेन होता है मनमोहक यानी आकर्षक, प्रोसेशन यानी होता है शोभा यात्रा। ऑफ द डेटीज, डेटीज ऑफ द टेम्पल यानी टेम्पल की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, इस टेकन आउट, उनको बाहर ले जाया जाता है और उनकी शोभा यात्रा, मनमोहक शोभा यात्रा निकाली जाती है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अबाउट, अबाउट यानी बारे में, सम अदर, कुछ अन्य फेमस टेम्पल्स यानी प्रसिद्ध टेम्पल्स यानी मंदिर के बारे में, सच एज, जैसे कि दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू, यानी माउंट आबू का कौन सा, दिलवाड़ा टेम्पल्स, श्रीनाथ जी का टेम्पल ऑफ नाथद्वारा, नाथद्वारा का कौन सा टेम्पल, श्रीनाथ जी का, रणकपुर का जैन टेम्पल, रणकपुर का कौन सा टेम्पल, जैन टेम्पल, श्री सालासर बालाजी टेम्पल एंड रामदेव जी टेम्पल ऑफ रामदेवरा, और रामदेव जी टेम्पल कहाँ का, रामदेवरा इन राजस्थान, इसके बारे में उसने सुना है। वी ऑल इंजॉयड द विजिट, यानी हम सब ने विजिट यानी उस यात्रा का आनंद लिया। तो स्टूडेंट्स, ये डायरी एंट्री थी वैशाली के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें वो कहाँ जाती है, एक ब्यूटीफुल टेम्पल में जाती है जो कि जिसका नाम होता है चार भुजनाथ मंदिर, मेड़ता सिटी, नागौर की मेड़ता सिटी में है। इसमें क्या होता है, वो राव दादाजी उसको ढूंढते हैं उस टेम्पल को, और राव दादाजी को सपना भी आता है कि हम जल्द से जल्द उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, और तो उन्होंने वहाँ पर मूर्ति स्थापित की और मंदिर का निर्माण करवाया, और उनकी जो पोती थी मीराबाई, उन्होंने वहाँ उनकी सेवा की, तो इसलिए उसे मीराबाई टेम्पल भी कहा जाता है। वहाँ पर और क्या स्टैचूज है, कौन कौन से हैं चार भुजनाथ मंदिर में, श्री केशवदास, श्री गिरधर गोपाल, मीराबाई एंड जयमल इन द टेम्पल, वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं। फेस्टिवल्स भी वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी, श्रावण मंथ की यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, यानी विशाल पूजा भी होती है और मूर्तियों को बाहर ले जाया जाते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और भी टेम्पल्स का उन्होंने नाम सुना है, जैसे कोई सालासर बालाजी, दिलवाड़ा टेम्पल, नाथद्वारा टेम्पल, श्री रामदेव जी का टेम्पल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस चैप्टर से अब तक अपने 6 नंबर चैप्टर में आ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ओनली नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर करने हैं, बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो अपने बुक के अंदर करते रहेंगे और उनको रिवाइज करते रहेंगे। तो फर्स्ट है आपका टेम्पल, टेम्पल यानी क्या होता है, मंदिर, पॉपुलरली यानी अधिकतर लोगों के द्वारा सामान्य रूप से, लोकेटेड यानी स्थित, आइडल यानी देव प्रतिमा, डेटी यानी देवता, स्टैचूज यानी मूर्तियाँ, वर्शिप यानी पूजा करना, प्रोसेशन शोभा यात्रा, जुलूस एंड चंटिंग यानी मोहक या आकर्षक। तो ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। अब आपको ध्यान देना ट्रू फॉल्स के अंदर, जो सही है लाइन उसके लिए हम क्या करेंगे ट्रू, और रॉन्ग के लिए फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, चारभुज टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान, क्या चारभुज नाथ मंदिर राजस्थान में स्थित है, यस या नो? हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चारभुज टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान, यानी नागौर का है हमारा, राजस्थान में ही है, तो ये हमारी लाइन क्या है, सही है एकदम। राव दुदाजी वॉज द फादर ऑफ मीराबाई, क्या राव दुदाजी मीराबाई के पिताजी थे, नो, वो उनके दादाजी थे, तो ये लाइन क्या है हमारी, फॉल्स है यानी गलत है। वैशाली डिड नॉट इंजॉय द विजिट टू चारभुजनाथ टेम्पल, क्या वैशाली ने चारभुजनाथ की जो यात्रा थी वो इंजॉय नहीं की थी, तो ये लाइन क्या है, रॉन्ग है।
तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट। राव दुदा जी वॉज द फाउंडर ऑफ चारभुजनाथ टेम्पल, राव दुदा जी ने ही ढूंढा था ना, तो ये लाइन हमारी क्या है, करेक्ट है। मेरा भाई ऑफर्ड प्रेयर्स टू द डेटी एवरी डे, क्या मेरा भाई को प्रेयर करने के लिए ऑफर किया गया था? नो, सर्विस करने के लिए यानी सेवा करने के लिए ऑफर किया गया था, ये लाइन की हमारी रॉन्ग है। तो विच डेटी अपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चारभुजनाथ अपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। मैं आपको ये निशान लगवा देती हूँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ये रहा, फर्स्ट नंबर आंसर लॉर्ड चारभुजनाथ अपियर्ड इटसेल्फ फ्रॉम द अर्थ। तो ये फर्स्ट नंबर आंसर है, आपको अपनी नोटबुक में करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाई इज चारभुजनाथ टेम्पल कॉल्ड द मीराबाई टेम्पल, चारभुजनाथ मंदिर को मीराबाई टेम्पल क्यों कहा जाता है? तो हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे शी ऑफर्ड सर्विस टू द डेटी, क्योंकि उनको प्रतिमा की सेवा करने के लिए कहा गया था, तो इससे पहले शी से पहले हम क्या लिखेंगे, बिकॉज शी ऑफर्ड सर्विस टू द डेटी, क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने के लिए ऑफर किया गया था, इसलिए इस मंदिर को मीराबाई टेम्पल भी कहा जाता है। व्हाट डिड दादू दुदा जी सी इन द ड्रीम, दुदा जी ने क्या देखा था ड्रीम में? तो ये रहा आपका आंसर, इसमें आंसर नहीं, अपने को खुद को लिखना पड़ेगा। अरे तो दुदा जी ने क्या देखा था, व्हाट डिड दुदा जी सी इन द ड्रीम, दुदा जी सा अ डेटी इन द ड्रीम। तो स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग है, आपका नेम्स को मैच करना है टेम्पल से। देलवाड़ा टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू में। श्री राज जी का टेम्पल कहाँ है, नाथद्वारा में। रामदेव जी का टेम्पल हमारा है रामदेवरा में, एंड सालासर बालाजी का टेम्पल है हमारा सालासर में। रणकपुर जैन टेम्पल है हमारा रणकपुर में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ईजी एकदम, आपको क्या करना है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स फुल, यानी पीछे सफिक्स यानी क्या होता है, वर्ड के पीछे आपको फुल लगाकर नया वर्ड बनाना है। प्ले के आगे आप प्लस फुल करोगे, एफ यू एल फुल, तो क्या बन जाएगा, यहाँ आप लिखोगे प्ले फुल, पी एल ए वाई एफ यू एल प्ले फुल। इसी तरीके से इनको आपको करना है, प्लस लगा के फुल लगा दोगे, फिर नया वर्ड जोड़ के आपको बनाना है। सी नंबर एक्सरसाइज आपकी, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द स्पेस बाय चूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट। तो ब्लैक बोर्ड हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है, तो हम इसके आगे लिख देंगे ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक बोर्ड। ए डैश बॉय, ये थोड़ा हैप्पी लग रहा है ना बच्चा, बॉय लड़का, तो हम लिख देंगे एच ए डबल पी वाई हैप्पी, ए हैप्पी बॉय। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए डैश पिकॉक, ए ब्यूटीफुल पिकॉक, पिकॉक सुंदर होता है ना, इसके आगे लिखेंगे ब्यूटीफुल पिकॉक, अ ब्यूटीफुल पिकॉक। अब ये लेडी क्या है, फैट है ना, तो हम लिखेंगे अ फैट वुमैन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अ रेड रोज, आर ई डी रेड। अब ये आदमी जो है, मैन जो है, वो लंबा है, तो हम लिखेंगे अ टाल मैन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल, इसने अ के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, एन एनचेंटिंग प्रोसेशन। तो यहाँ पर वर्ड्स ए और एन जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में कि ए और एन और द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, ए एन का यूज़ मैंने आपको बताया था, ए का यूज़ और एन का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि के लिए, और एन का यूज़ हम वोवल साउंड के लिए करते हैं।
तो फर्स्ट सेंटेंस है राव दुदा जी डैश अ ड्रीम। अब ड्रीम में कौन सी साउंड आ रही है? ड की साउंड आ रही है। ड हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। डी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। अब कॉन्सोनेंट से पहले हमें क्या लगा देना? ए। द डेटी आस्क्ड हिम टू बिल्ड टेम्पल। ट की साउंड यानी टी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? ए लगा देंगे। ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं? वोवल होते हैं। अब देखो वी सा एलिफेंट। एलिफेंट में ए की साउंड आ रही है, यानी ये ए की साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या? ये हमारा वोवल है। ई हमारा वोवल होता है ना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? वी सा एन एलिफेंट। देर इज इंसेक्ट। इंसेक्ट आई की साउंड आ रही है, तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हिंदी मंथ्स हैं। फर्स्ट हिंदी मंथ आता है अपना चैत्र, सेकंड वैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भाद्रपद, अश्विन कार्तिक, माघ शीर्ष पोष, माघ फाल्गुन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।